दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की 5 ऐसी अनन्य भक्त सखियां थी जो कि एक दिन वन में बैठकर फूलों की माला पिरो रही थी और प्रसन्नचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उस रास्ते से एक साधु बाबा निकल रहे थे। साधु को देख सखियों ने उनसे पूछा, हे साधु बाबा, क्या आपने हमारे प्राण से प्रिय श्री कृष्ण को कहीं देखा है? वे इस जंगल में खो गए हैं। अगर आपको पता है तो कृपया हमें बता दीजिए। ये सब सुनकर साधु बाबा बोल उठे, अरे पगलियों, श्री कृष्ण कोई ऐसे मिलते हैं क्या? उनको पाने के लिए तो घोर तप करना पड़ता है। वे तो राजेश्वर हैं। वे अगर रुष्ट होते हैं तो वे दंड देते हैं और अगर प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। साधु की यह बात सुनकर सखियां भी बोल उठी, साधु बाबा, आपके वे श्री कृष्ण कोई और ही होंगे। हमारे श्री कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है, वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे क्या हमें पुरस्कार देंगे? उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास ही रहती है। दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कोई गलती करें और वे हमें सजा देते हैं तो वे दंड नहीं बल्कि प्रेम है। गोपी की ऐसी बात सुनकर साधु महाराज भी प्रेम से भर उठे और वहीं नाचने लगे। दोस्तों, इसी बात पर बोलिए प्रेम से राधे राधे।